हाय स्टूडेंट, DIT का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डेटेड फंक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं डेटेड फंक्शन होता क्या है और इसका यूज क्या है। तो ध्यान देना सभी लोग, देखो अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे आपको, वो हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा फार्मूला है, जिसे बोलते हैं डेटेड फंक्शन, मतलब डेट से रिलेटेड जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं डेटेड फंक्शन। और डेटेड फंक्शन से रिलेटेड हम कई सारे फार्मूले सीखेंगे, तो हमने वही हेडिंग बना दिया है, न्यू डेट एंड ओल्ड डेट कैलकुलेट कैसे करेंगे और इसके लिए क्या स्टेप है। तो मैंने देखो लिखा डेट, डेट एंड टाइम, डे मंथ ईयर, फिर से डे मंथ ईयर। अब ये क्यों दिए हैं, कब निकालते हैं, इसके लिए क्या फार्मूले लगेंगे, वही हम लोग आज के क्लासेस में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत बेसिक हैं, ठीक है, आप लोग हमेशा इस्तेमाल करोगे। कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी आएंगे, फिर भी क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे डेट, ठीक है, और उसके बाद से लिखा डेट एंड टाइम, उसके बाद से उसके हिसाब से देखो डे आ गया है, उसके हिसाब से मंथ आ गया है। वह तो वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन किया हमने, वो हम करके आपको दिखाएंगे वैसे फिक्स करके। ए खालिद, हम ही उसको खालिद जहां जाता खाली कर देता जिस बैच में जाएगा। चलिए तो ध्यान देना, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या स्टेप वो सीखने वाले हैं, तो चलिए इसको देखते हैं, क्या करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डेट। सपोज अगर मान लीजिए आप कहीं कहीं काम कर रहे हैं और वहां पे आपको डेट लाना है, क्या लाना है, डेट लाना है। एक तो तरीका है कि आप को याद रहेगा तो टाइप कर दोगे, अगर भूल गया है तो कंप्यूटर में देख के टाइप करोगे, आने तो फोन निकालोगे तब देख के टाइप करोगे। बोलिए, लेकिन टाइप करना पड़ेगा जी, टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कह दे नहीं, एक्सेल में आप फार्मूले के सहारे डेट ला दो, और ये भी बताओ कि कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे निकलेगा, तो मैनुअली से काम नहीं चलेगा, आपको वहां पे जवाब देना पड़ेगा कि सर आज का डेट निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब कौन कैसे करेंगे वो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। इसके लिए करेंगे हम लोग इक्वल, अल्ट्रासाउंड क्या करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद से ध्यान देना, इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद से लिखेंगे टुडे, क्या लिखेंगे टुडे, इक्वल टुडे, और ब्रैकेट को हमने कर दिया ओपन, और उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना, फिर से ब्रैकेट को बंद कर देना, बस इंटर। अल्ट्रासाउंड मतलब यू कह लो डेट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू डे। क्लियर है, चलिए इसके लिए आप लोग शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अंदर क्लियर है, ध्यान देना। पार्टनर तो हमने फार्मूले से भी बता दिया और मैंने शॉर्टकट किसे भी करके दिखा दिया कैसे होगा और क्या इसका स्टेप है। तो ये पहले नोट कर ले, तो हम आगे बढ़े थोड़ा। डेट निकालने के लिए एक है इक्वल टू डे, आज 3-4 दिन से और एक बत्ती होता है शॉर्टकट की नहीं कंट्रोल प्लस सेमी फोटो कॉलन। वाले जाता मार्केटिंग मार्केटिंग
ऊपर नंबर हो जाएंगे मान लिया बात कर दीजिए तो लाइव से जाकर निकाल लेते हैं सरकार का मौका क्या हुआ ना ले लिया पैसा मुझे लग गए तो कौन दिया एक बात एक उम्र बिल बढ़ाई था हाँ मुझे लग गए इधर नॉर्मल हो गए ऐसा एग्जाम सही था हो गया चलिए उसके बाद अगला है वो है हमारा डेट एंड टाइम। अगर कोई कहता डेट एंड टाइम दोनों एक साथ लाना है तो इसके लिए फॉर्मूला है इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। नहीं सर पीएम यम नहीं लगेगा ए, के लिया लिख लेना डेट एंड टाइम के लिए फार्मूला है इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। वो सर बीमारी बाबू दवाई करा तो सही हाल बाबू बेहतर बाकी मेडिकल कॉलेज में देख यही तरह तो बढ़िया आना ही तो कुछ पिछले जन से बताओ तो मेरी बात तो कर रहा हूँ तेजी दाई तो वहाँ पे जाना यही बताओ स्वस्थ रहो ये डेट और टाइम दोनों के लिए है ध्यान रहे चांदा तू कोक है इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। और केवल टाइम लाना हो डेट तो लाना सिखा ही दिया केवल टाइम लाना हो तो दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन तो देखो अब ए एम पी एम आएगा आ गया तो डेट अलग आ जाएगा और टाइम अलग आ जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन हमारे बजान तरह कर पे हमारी जो फाइल है निकलिए हो गया। अरे भाई अपना माइक म्यूट करके बात कीजिए आप लोग ठीक है आवाज आ रहा है इसमें आपको ध्यान देना चार तक जो हमने पढ़ाया है उसमें जो डेट निकालना बताया है या डेट एंड टाइम निकालना बताया है मेनोली भी बता दिया है शॉर्टकट की भी करके दिखा दिया। ये तो चाहते तो आप लोग मेनोली आपको याद भी रहता है और आपके पास देख के आसानी तरीके से टाइप भी कर सकते हो निकाल से। लेकिन हमने इसलिए पढ़ाया है कि आपको अगर आपसे कोई पूछे एमएस एक्सेल में इसके लिए क्या करेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा यूजफुल है ठीक है क्योंकि हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे इसका। जैसे लिखा हमने डे लिखा हमने डे अब ये जो डे हमने लिखा है ध्यान से सुनना जो हमने डे लिखा है अगर हम सोच रहे हैं कि कोई ओल्ड डे है डेट कोई या फ्यूचर वाला कोई डेट है या प्रेजेंट वाला कोई डेट है और वह डेट लिखते ही हमको यह पता चल रहा है कि उस डेट को कौन सा डे है कौन सा दिन है तो अगर आपको मेनुअली में कह दो निकालने के लिए तो आप निकालते रह जाओगे टाइम लगेगा। जैसे मैं अगर पूछ दूं कि 1/1/2002 को कौन सा दिन था बता दो नहीं बता पाओगे। और हम पूछ दे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था बता दीजिए नहीं बता पाओगे। बोलो आपको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मतलब टाइम लगेगा इतना टाइम नहीं है कि हम कैलकुलेट करें देखे और कहीं पढ़े। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला है सिंपल सा कि आप कोई भी डेट लिखोगे वह बता देगा उस डेट को कौन सा दिन था और वह सही बताएगा गलत नहीं बताएगा।
ठीक है, चाहे करंट वाला हो, चाहे पास्ट वाला हो, चाहे फ्यूचर वाला हो, कोई भी डेट लिखोगे आसानी तरीके बोलाओ पता चल जाएगा। अब ऐसे जब लोग डेट लिखेंगे तो मंथ तो देखते ही पता चल जाएगा, ईयर भी देखते पता चल जाएगा, फिर भी हम तीनों निकालना सीखेंगे। मतलब मेन सबसे इंपॉर्टेंट है तो वह है हमारा क्या, डे निकालना, कि हम लोग डेट लिखते ही डे पता कर ले। ठीक है, डेट लिखते ही मंथ पता कर ले, ईयर तो मंथ तो पता चल जाएगा। हाँ 30/9 लिखा है तो सितंबर होगा, 23 लिखा है मतलब 2023 है, ये तो क्लियर हो रहा है। लेकिन ये 30 को कौन सा दिन है ये हमको क्लियर नहीं हो रहा है, ये निकालने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम तीनों निकालेंगे, पहले डे अच्छा तब मंथ तब ईयर। कैसे निकालेंगे, तीनों के लिए एक ही फार्मूला यूज होगा, बस कंसेप्ट सबके लिए अलग अलग होगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। नहीं हम ओके नहीं सुन ले बतिया, पहले बतिया सुन। जैसे हम कोई डेट लिख देते हैं, सपोज हमने लिखा एक और ना ये एक होगा 2000 तो लिख दिया। अब हमको पता करना है, मतलब एक होता फरवरी 2000 को कौन सा दिन था, हम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, वो 2000 है समझो, 00 आया है टैक्स, वो समझदार है समझ जाएगा। इक्वल करेंगे, टैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे पहले पूछेगा वैल्यू, क्या पूछेगा वैल्यू, तो वैल्यू में हम लोग डेट सेलेक्ट कर लेंगे, वैल्यू में क्या कर लेंगे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जो डेट हो काम हो। उसके बाद से पूछेगा फॉर्मेट टेक्स्ट, तो डबल वेलकम करेंगे और लिखेंगे डी 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 डी, 4 ठो डी और डबल वेलकम, बस ब्रैकेट वर्क। अब हमको भी नहीं पता है कौन सा दिन था, फिर बता देगा कौन सा दिन था, सैटरडे था। क्या कह रही हो, अच्छा हाँ आज ही का दिन ठीक था, ठीक है, आपको तो हम कैसे मान लें कि सही है बताया है, कोई बात नहीं, आप लिख दो 2/10/2023 का पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, बोलो चलो देख लो, बता रहा मंडे, क्लियर है ना, बोले इसलिए नजदीक वाला डेट लिखे हैं कि आप लोगों को लगे कंफर्म हो जाए रियल में सही बता रहा है, ठीक है, तो बैक आना पड़ेगा। वही से हम लिख देंगे 15 अगस्त 1947, बता देगा शुक्रवार था, हमको दिल पढ़ाते नहीं पता है, ये एग्जाम्पल बताते तो याद हो गया है, हमको कैसे पता है 1947 के हैं। हाँ ठीक ठीक है, क्लियर बाबू, कोई दिक्कत, चलिए तो ऐसे आप लोग आसानी तरीके से निकाल सकते हो। सुनाई नहीं दे रहा जी, रिपीट करें आप फिर से। चलिए ऐसे हमने डे निकाल दिया, वैसे मंथ निकाल देंगे, वैसे ईयर निकाल लेंगे, बोले क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग पता कर ले जाओगे। और वैसे आज का डेट डाल दो 30/9/2023, बता देगा सैटरडे, आज संडे को आ रहे पढ़ने। चलिए आते हैं, उसको इक्वल करेंगे और लिखेंगे फिर से टेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू में वैल्यू ले लेंगे, कामा करेंगे, फॉर्मेट फॉर्मेट में करेंगे डबल उड़ कामा, इस बार लिखेंगे यम 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 यम, हाँ 4 लिखना पड़ेगा, 5 नहीं। अब क्या हम रिपीट करें, समझ में नहीं आ रहा, पूछो सही से लिख के, क्या और इंटर दबा देंगे, सितंबर है बोलो, उसके बाद से ईयर तो आप लोग पता ही है डेट की, फिर भी निकाल लो, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कामा फॉर्मेट टेक्स्ट, वाई 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 वाई, ब्रैकेट बंद, 4 को से 1 भी कम मत करना, कंजूस ही नहीं, हाँ काम नहीं करेगा, रूल है।
आपने जो डेट निकालने का बताया है कैसे इसका मतलब डेट निकालने का फार्मूला हमने बताया है इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन करोगे ब्रैकेट बंद करोगे इंटर करोगे निकल के चला आएगा। अगर शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाएंगे सेमी कॉलन दबाते ही आ जाएगा। ठीक है, आपने सुनाई दिया होगा वीडियो देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है सबको? चलो लिखिए फार्मूला डे निकालने के लिए इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन पूछ रहा है वैल्यू कामा उसके बाद से पूछ रहा है फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद से क्या है? कुछ नहीं, सिंटेक्स ही पूछ रहा है ना जी, फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है। बस लगा दीजिए इक्वल टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट डेट कामा डबल कामा डी 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 डी। Thank you.